दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमर सिंह और मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहे मस्त रहे। दोस्तों देखिए, आज कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे है और आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा इस कैंसर से लड़े दोस्तों। देखिए, डरे नहीं, लड़ना है दोस्तों इस कैंसर से। दोस्तों देखिए, मेरे कई दोस्तों को कैंसर की प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि कैंसर होता कैसे। दोस्तों देखिए, गलत लाइफ स्टाइल को अपनाना, गलत समय पर खान पान करना, एक जैसा खान पान कंटिन्यू करना, जंक फूड, एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ठंडे पदार्थों को ज़्यादा सेवन करना, अत्यधिक सेवन करना और योग एक्सरसाइज को ना अपनाना, मेहनत ना करना, ये दोस्तों देखिए कैंसर की सबसे बड़ी जड़ है। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि शरीर में अगर कहीं भी छोटी सी छोटी गांठ बननी है, यानी कि पैर की अंगुली से लेकर सिर तक अगर कहीं भी कोई गांठ बननी है, तो समय रहते हुए चेकअप कराएं। मुंह में छाले बनने, लगातार छाले बनने, चलो छाले कभी कभार हो जाते हैं कोई गर्म खान पान करने से, अगर ये छाले अपने आप सही भी हो जाते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू लगातार छाले बनने हैं दोस्तों, पेट में अल्सर, पेट में भी छाले बनने हैं और भूख कम लग रही है, बिना वजह वजन कम हो रहा है, नींद कम आ रही है दोस्तों, और तो दोस्तों देखिए इस पीरियड में क्या करना है आपको, कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है। फर्स्ट स्टेज में कैंसर का इलाज संभव है, सेकंड में संभव है, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ में जाता है तो दोस्तों देखिए काफ़ी कठिनाई आएगी, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मेरे कई दोस्त क्या करते हैं कि थोड़े से मुंह में छाले हो गए, मेडिकल में गए, मुंह मतलब गोलियाँ खा लिया, फिर छाले कम हो गए, फिर गए छाले हो गए, फिर गोली खा ली, फिर सही हो गए। ऐसा कभी ना करें दोस्तों देखिए, यानी कि आप गोली की आदि बन गए, आप क्या बन गए, गोली की आदि, अब वही गोली फिर हमें दोस्तों देखिए कैंसर जैसे रोगों से लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, छाले आपके कंटिन्यू बनने और आप गोली ले रहे हैं मेडिकल से आप गोली ले रहे हैं, कोई चेकअप नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, तो थोड़ा सा दर्द सही हुआ, आपने सोचा शायद मुझे फायदा हो रहा है, या भूख कम लग रही है, आपने कोई पाउडर खा लिया या कोई दवाई खा ली जिससे भूख थोड़ा सा बढ़ गई कुछ समय के लिए, और फिर भूख कंटिन्यू उस गोली के आदि बन गई। अगर आप समझिए, आपने ये सोचा कि मुझे गोली खाने से भूख लगती है या मुझे इस पाउडर खाने से भूख लगती है, तो दोस्तों देखिए ये गलत है। बिगैर गोली के, बिगैर पाउडर के भूख लगनी चाहिए, प्रतिदिन लगनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, पेट में अल्सर हुआ, आपने कहीं ध्यान नहीं दिया, अपने मेडिकल में गए, दर्द दर्द की गोली ले ली, या नींद कम आ रही है, नींद की गोली ले ली, कभी भी ऐसा ना करें दोस्तों। देखिए, जीवन एक बार मिलता है, खुद डॉक्टर ना बने दोस्तों, देखिए खुद डॉक्टर ना बने। अगर कहीं भी शरीर में ये प्रॉब्लम होती है, गांठ बन रही है, छाले बनने लगातार, नींद कम आ रही है, वजन कम हो रहा है, बिना वजह वजन कम हो रहा है और भूख कम लग रही है, तो दोस्तों देखिए कहीं भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं, और फर्स्ट स्टेज में इसका इलाज संभव है। लेकिन ये स्थिति अगर बढ़ती है तो फिर बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, इस कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़ना है हमें, और मैं आपके सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा, अगर कैंसर की प्रॉब्लम है तो डरे नहीं, सही समय पर खान पान करें, सही जीवन शैली को अपनाएं, पेड़ पौधों से जो भी हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, ये हमारा मोटापा, हमारा फैट, हमारे कैंसर जैसे असाध्य रोगों को कंट्रोल करते हैं। एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, जंक फूड केवल धन के स्रोत हैं, देश की अर्थव्यवस्था है, इमरजेंसी और मौज मस्ती के साधन है दोस्तों। कभी कभार इनका भी सेवन करना है, कंटिन्यू इनका सेवन ना करें। तो मेरे सभी दोस्त, समय रहते हुए अगर आप ओवरवेट है, इस फैट को कम करें, इस मोटापे को कम करें। दोस्तों देखिए, कैंसर कई रूप से हो सकता है, अगर आप मतलब किसी असाध्य रोगों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या आप योग एक्सरसाइज को नहीं अपना रहे हैं, या जीवन शैली को सही नहीं अपना रहे हैं, सही समय पर खान पान नहीं कर रहे हैं, तो कैंसर जैसी महामारी का जन्म होता है दोस्तों देखिए। और समय रहते हुए दोस्तों देखिए, कम करें, डरे नहीं, किसी भी रोग से डरे नहीं, लड़ना है, संघर्ष ही जीवन है दोस्तों देखिए, है नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। अगर जीवन में संघर्ष ही नहीं हुआ तो फिर होगा क्या जीवन, क्या जीवन मजा जीने का, डरे नहीं, संघर्ष ही जीवन है। और मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय रहते हुए इस फाइट को, इन असाध्य रोगों को कंट्रोल करें। जय हिंद, जय भारत।